हेलो हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर नागेश से हो रही है? नागेश बोल रहा हूँ। मिस्टर नागेश, मैं आपसे बैंक से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे बोल रहे हो? हाँ जी, बात कर रहा हूँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, तो क्या आप उसको अपना रिन्यू करना चाहोगे? ओहो, तो फिर से बैंक जाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, अगर आप चाहते हो तो मैं यहीं से आपका कार्ड रिन्यू कर सकता हूँ। ओके, तो ठीक है, कर दो रिन्यू। हाँ जी ठीक है सर, उसके लिए आपको डेबिट कार्ड पे जो 16 अंकों वाला नंबर है वो मेरे को देना होगा। कार्ड तो फिलहाल मेरे पास नहीं होगा सर। कार्ड ले आओ ना, उसके बिना रिन्यू नहीं हो पाएगा। अच्छा रुको, ढूंढने दो। हाँ ये मिल गया, ये जो नंबर लिखा है ये बताना है। हाँ हाँ वही नंबर बताओ मुझे। हाँ फिर लिखो 6424912727। सर उसके नीचे देखिए एक वैलिडिटी डेट लिखी होगी, ये है January 2017 लिखा है। सर उस कार्ड के यहाँ देखिए एक CVV सिक्योरिटी कोड लिखा होगा, वो बताओ सर। हाँ लिखो 809। सर आपका जो डेबिट कार्ड का जो पिन कोड है 4 अंकों वाला वो मुझे बताना होगा। पिन नंबर कैसे दे सकता हूँ मैं? सर उसके बिना नहीं हो सकता सर, पूरी प्रोसेस रुक जाएगी सर, प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। अच्छा ये ट्राई करो जरा 8055। भैया ये मेरे को मैसेज आया है, लिखा है कि इसमें से 50,000 निकल गए हैं मेरे अकाउंट से। भैया ये आपने निकाले हैं क्या? आप तो रिन्यू करने को कह रहे थे ना, मेरे पूरे बैंक डिटेल्स आपके पास चली गई है। भैया फोन मत काटना, ये सारे पैसे मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए इकट्ठे किए थे सारे रिश्तेदारों से। अरे ये पैसे मेरे नहीं है, बात को समझो जरा। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जमा किए थे मैंने, मैंने आप पे विश्वास किया था और आपने पैसे निकाल रहे हो। अरे मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। अरे मुझे यहाँ पैसे जमा करने हैं भैया, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ मेरे पैसे वापस कर दो। भाई सुन। हाँ भाई बोल। अगर किसी को पैसे वापस करने तो हो सकता है? नहीं भाई, हमारा काम सिर्फ पैसा देना है, देना नहीं। तू कॉल कट कर दे। क्या लेना आपने? मैंने बांसुरी लेनी है। बांसुरी की होंदा है? पोसड़ी लेनी है। ओ जरा कृष्णा बजांदा है। जेड़ा कृष्णा बजांदा है की कहंदे ओनु? बांसुरी नहीं कहते, बांसुरी। बांसुरी? हाँ बांसुरी लेनी है। क्या लेना आपने? मैंने बांसुरी लेनी है। बांसुरी की होंदा है? पोसड़ी लेनी है। ओ जरा कृष्णा बजांदा है। जैसे हम देख रहे हैं कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा है पटवारी के पेपर देके, तो बेटा आप बताएं पटवारी के पेपर देके कैसा लगा आपको? बहुत चौदा अपनी दिमाग ने कमाओ ने करो थे सर। भूसड़ा को क्यों सो मोड़ा है, पटवारी को पेपर दे हैं। बताती है पति काहे का पति, तू तो वो चवन्नी है जो अब से 15 साल पहले चलना बंद हो गई थी। ओए मेरे को चवन्नी बोलती है? तू तो एक अद्धी से भी कम है। एक तो तेरे घर वालों ने चार हड्डियों का ढांचा देकर मुझे फंसा दिया। कल तो बड़ी जल्दी गया था मेरे बाप की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए। मैं गया था तेरे बाप की चौखट पर नाक रगड़ने के लिए? तेरा बाप खुद आया था अपनी चौखट मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। नकारे निकम्मे बहुत हो गया, आज से तू घर के सारे बर्तन धोएगा और कपड़े धोएगा। तेरी ये हिम्मत मुझसे बर्तन धुलवाएगी? मैं बर्तन धोऊंगा? ज्यादा बकवास की ना तो तलाक ईंट पर रखकर तेरे मुंह पे इतनी जोर से मारूंगा तेरा मुंह गुल्लक जैसा हो जाएगा। तू मुझे तलाक देगा? हाँ तो दे दे। मैं जा रहा हूँ वकील साहब से बात करने। वकील साहब ये क्या कर रहे हो भाई? अखबार नहीं पढ़ते क्या भाई? बीवी से पंगा लोगे तो नंगे हो जाओगे। वकील होने के नाते मैं अपना बचाव कर रहा हूँ बर्तन धो के। जोरू का गुलाम बन के रहूंगा मैं तो, जोरू का गुलाम, जोरू जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। लीजिए मैडम सारे बर्तन धुल गए।
वो काम हो तो बताइए। सांस लो, थोड़ा और जोर से। वेरी गुड वेरी गुड, और जोर से, और जोर से। हाँ, अब पता चला बीमारी का, तुम्हारी हड्डी में फ्रैक्चर है। डेढ़ के बीज हड्डी में फ्रैक्चर कोन्या, इतनी जोर से सांस लेनते बरा का उख टूट गया।